रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, अहलन वसहलन, कैफा हालुका, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लानट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी, दही बड़े चने की चाट, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार। आखिर तक साथ रहिएगा हमारे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारी लेंगे हम भर के इमली का पल्प, इमली का गाढ़ा पेस्ट है ये। इसको हम एक पैन में डालेंगे। जितना इमली का पल्प लिया है उतना ही पानी ऐड करेंगे हम इसमें। फ्लेम लो है हमारा। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी बनेगी। इसको आप रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल, और बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में जो इफ्तार में आप सबको पसंद हो, जिसके साथ आप बहुत ज़बरदस्त सी चटनी खाना पसंद करते हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चटनी है। खट्टी मीठी बहुत मज़ेदार चटनी है। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे ही पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे कुछ। देखिए, जैसे साइडों से पकना शुरू हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भर के सफ़ेद ज़ीरा, भुना सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के चीनी के। 3 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी ऐड करी है। अब इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। देखें, ये अच्छी तरह पकनी शुरू हो गई है। खट्टी मीठी बहुत मज़ेदार चटनी है और दही बड़ों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। देखें, ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसे और पका लें, अभी ठंडी होने के बाद और इसमें गाढ़ापन आएगा। बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तैयार है झटपट मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनी है ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान के लिए। बना के रखें, फ्रीज़ करें। बहुत मज़ेदार चटनी है ये, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 6 जवे लहसुन के। इनको हम छील के और जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के पीस लेंगे। इसे हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया है। अब हम बेसन लेंगे और इसमें लहसुन प्याज के पेस्ट से हम इसको घोल लेंगे, अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून खाने का सोडा और 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया है उससे इसको घोल बना लेंगे अच्छा सा। इसके अलावा हमें इसमें पानी की ज़रूरत हुई तो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इसी से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे और घोल बनाते जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे दही बड़ों की एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप दही बड़ों की एक और मज़ेदार सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हमने सारा लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। अब हम इसका अच्छा सा घोल बनाते हैं। फिर आपको ये बेसन का पेस्ट बना लिया है हमने। इस तरीके से पेस्ट बनाना है। ये बेसन के लम्स नहीं है, ये हमने लहसुन प्याज जो पीस के इसमें ऐड करा था ये वो है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं दही बड़े के। इससे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले, हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमने गर्म करने रख दिया था थोड़ी देर पहले। अब हम इसमें चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता बेसन डालेंगे। जितनी बड़ी आपने पकौड़ियाँ बनानी हो उस हिसाब से इसमें ऐड कर दें। देखिए, ये हल्की हल्की फ्राई होनी शुरू हो गई है, गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे पलट देंगे, तरीके से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कितनी अच्छी फूली फूली लग रही हैं इस वक्त, देखें बहुत अच्छे तरीके से फूल गई हैं। अंदर से भी नरम होंगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इसका, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा।
देखें ये अब सब तरफ से फ्राई हो गई हैं, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसे निकालेंगे और एक बाउल में सादा पानी हमने निकाल के रखा है उसमें हम इसको डाल देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से। देखें हमने इसको पानी में ऐड कर दिया था, थोड़ी देर में ही सॉफ्ट होनी शुरू हो गई हैं, कितनी हल्की नरम नरम हो गई हैं। अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से दबा के इस तरीके से और निकाल लेंगे। इस तरीके से दबा के निकालेंगे तो टूटेंगी भी नहीं है और आराम से पानी निकल जाएगा इसका। सभी फुलकियों को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे और पानी में भिगो के निकाल लेंगे। पकौड़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और पानी में भिगो के निकाल लिया है हमने। इसके साथ ही हमने दही ली है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी और नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 teaspoon हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 tablespoon हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करेंगे जिससे इसका गाढ़ापन कम हो जाए। इसे ज़रा सा हम पतला ही रखेंगे क्योंकि इसमें अभी हमने छोले वगैरह भी ऐड करने हैं, तो बाज़ार के जो दही बड़े छोलों की चाट होती है मज़ेदार सी, उसमें दही पतली रखी जाती है। देखें दही इतनी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इतना पानी हमने इसमें ऐड करा है कि दही इतनी पतली हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने जो हमने उबाल के रखे हुए थे। इनको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। चनों को हमने इसमें मिक्स कर दिया है, अब इसमें डालेंगे दही भले, पकौड़े हम इसमें ऐड कर देंगे जितने आपको पसंद हो। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार दही भले की चाट बनेगी ये, छोले की, चनों की और दही बड़े वाले की मशहूर चाट भी आप भूल जाएंगे इसके आगे, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज जिनको हमने पहले से काट के पानी में भिगो के रखा था। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी चटनी है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अब आती है बारी ज़बरदस्त खट्टी मीठी इमली की चटनी है जो अभी हमने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त और यमी टेस्ट आएगा इससे, असल मज़ा तो इसी से आएगा चटनी से। इसके बाद हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, ज़बरदस्त सा मज़ेदार। अब आती है बारी पापड़ी की, जिसके बगैर चाट तो अधूरी है। हम इसमें डालेंगे इसे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के लिए। तो तैयार है हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त सी दही बड़े छोले की चाट, बहुत ही मज़ेदार, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसी चाट आपने कभी नहीं खाई होगी। इस रमज़ान बनाएं और इफ्तारी का लुत्फ उठाएं और इसमें ऐड करें इसके साथ टमाटर ज़बरदस्त से और कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। आ गया ना मुंह में पानी आप लोगों के भी, तो जल्दी जल्दी बनाएं और अपना फीडबैक अच्छा सा ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। आपने बनाई तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी आपसे भी। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। मैं ये ज़रा ज़्यादा डालूंगी, मुझे चटपटा पसंद है, तो हम ट्राई करते हैं कि कैसे बने हैं ये। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी यमी बहुत मज़ेदार बने हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये खा के आप बाज़ार की चाट भूल जाएंगे।
एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।